मिथिला नगरी के राजा वीरभद्र सिंह आज बड़े चिंतित नजर आ रहे थे। महाराज, हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, लोग भूख के मारे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हाँ महाराज, अगर इस सप्ताह बारिश नहीं हुई तो हम सब भूख के मारे मर जाएंगे। अकाल को समाप्त करने का कोई तो उपाय होगा गुरुदेव, क्या बारिश करवाने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, वरुण देव को मनाने के लिए शीश पूजा करनी पड़ती है। ये शीश पूजा क्या होती है गुरुदेव? जब राज्य का कोई एक व्यक्ति मंदिर जाके अपना सर कलम करके आहुति देता है तो इसी विधि को शीश पूजा कहते हैं। क्या इस पूजा से सच में वरुण देव प्रसन्न होते हैं? हाँ। अपनी प्रजा के लिए मैं अपना सर कलम करके आहुति दूंगा। नहीं महाराज, प्रजा को आपकी जरूरत है। प्रजा की जरूरत के समय जो राजा काम ना आए वो राजा किस काम का? अगर मेरे बलिदान से मेरी प्रजा को जीवन मिल सकता है तो मैं खुशी खुशी अपना जीवन त्याग कर सकता हूँ। अपनी प्रजा के लिए राजा मंदिर जाकर अपना सिर कलम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे वरुण देवता, मेरी आहुति स्वीकार कीजिए और मेरे राज्य में दिल खोल के बारिश कीजिए। जैसे ही राजा वीरभद्र सिंह तलवार से अपना सिर कलम करने जाते हैं तब भगवान वरुण देव साक्षात प्रकट हो जाते हैं। रुक जा राजन, मैं तुझसे अति प्रसन्न हुआ। बोलो भक्त, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रभु, अकाल के कारण मेरी प्रजा बेमौत मारी जा रही है, मेरे राज्य में बारिश करवा कर मेरी प्रजा को जीवन दान दे दीजिए। किंतु यह असंभव है पुत्र। जो असंभव को संभव कर दे उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। प्रभु, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। राजा भगवान के सामने बारिश करने की जिद करते हैं मगर प्रभु उसे मना कर देते हैं। अगर आपकी यही मर्जी है प्रभु तो कृपया मेरे प्राण हर लीजिए। फिर जैसे ही राजा अपना सिर कलम करने जाते हैं तभी प्रभु कहते हैं, रुक जाओ राजन, तुम्हारे प्रजा प्रेम से मैं प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारे राज्य में बरसात करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है प्रभु, बताइए मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, यदि तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं दिल खोल के बरसूंगा। फिर वरुण देव राजा वीरभद्र सिंह को एक कहानी सुनाते हैं। कर्णावती नगरी के राजा सूर्यदेव सिंह अपनी राजकुमारी की शादी को लेकर बड़े चिंतित थे। पिताजी, आप चिंता ना करें, राजकुमारी की शादी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आखिर भाई होने के नाते मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना? और माँ होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सब मिलकर राजकुमारी के लिए वर ढूंढेंगे। हाँ, सोचता हूँ स्वयंवर ही करवा लूँ, आखिर राजकुमारी को अपनी पसंद का वर चुनने का अवसर तो मिलेगा। फिर राजा सूर्यदेव सिंह राजगुरु को बुलवाते हैं। महाराज, आपके पास एक महीने का समय है, अगर एक महीने में आपने राजकुमारी की शादी नहीं करवाई तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ गुरुदेव? राजकुमारी के कुंडली के अनुसार एक महीने के बाद शनि की दृष्टि मंगल पर है, अगर एक महीने के अंदर शादी नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए कुंवारी ही रह जाएगी। महाराज, गुरुजी की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं। आज से ठीक 7 दिन के बाद राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जाएगा। अगले दिन से राजा स्वयंवर की तैयारी करने लग जाते हैं तो दूसरी ओर राजकुमारी अपनी सहेलियों के संग घूमने गई होती हैं। राजकुमारी, क्या आपके सपनों का राजकुमार कोई है? नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी नींद चुरा कर आपका दिल जीतने वाला कैसा होगा? कोई ऐसा राजकुमार होगा जो उड़ते घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे स्वर्ग की सैर कराएगा, वही मेरे दिल का राजा होगा। सहेलियां जब बातें कर रही होती हैं तभी आसमान में उड़ते हुए सफेद घोड़े पर सवार एक राजकुमार आता है। मेरा नाम कर्ण सेन है, क्या आप मेरे साथ आसमान की सैर करना चाहोगी? ये सुनकर राजकुमारी को अपने शब्द याद आते हैं। कोई ऐसा राजकुमार होगा जो उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे स्वर्ग की सैर कराएगा, वो ही मेरे दिल का राजा होगा। राजकुमारी पहली ही मुलाकात में राजकुमार कर्ण सिंह को अपना दिल दे बैठती हैं और राजकुमार के संग घोड़े पर सवार होकर आसमान की सैर करने चल देती हैं। जब दोनों आसमान में सैर कर रहे होते हैं तभी राजकुमारी का भाई पुष्पराज दोनों को देखता है। मेरी बहन कर्ण सिंह के साथ कितनी खुश नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी इसी राजकुमार के साथ हो जाए। अगले दिन राजकुमारी जंगल से गुजर रही होती हैं, तभी अचानक एक बदमाश आकर राजकुमारी को अगवा कर लेता है। बचाओ, बचाओ! राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज सूरजगढ़ के राजकुमार वीर सिंह के कानों में पड़ती है। बचाओ, बचाओ!
राजकुमारी को मुसीबत में देख वीर सिंह बिजली की रफ्तार से बदमाश के पास पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होती है। जब वीर सिंह और बदमाश लड़ रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त राजा सूर्यदेव सिंह वहां से गुजर रहे होते हैं। वो ये सब दूर से देखते हैं। कुछ ही देर में बदमाश वीर सिंह के हाथों मात खाकर भाग जाता है और राजकुमारी अपनी जान बचाने वाले रक्षक को देखती रहती है। दूर से ये सब देख रहे राजा सूर्यदेव सिंह सोचते हैं, मेरी बेटी को इससे अच्छा वर कहीं नहीं मिल सकता। ये खूबसूरत भी है और वीर भी है। राजा मन ही मन वीर सिंह को अपना जमाई बनाने का सोचते हैं। अगले दिन राजकुमारी जब गुरुकुल के पास से गुजर रही होती हैं, तब कई राजकुमारों को गुरुजी से विद्या प्राप्त करते हुए देखती हैं। बताओ राजकुमारों, सबसे खतरनाक हथियार कौन सा होता है? तलवार गुरुदेव, भाला गुरुदेव, तीर गुरुदेव। राजकुमार बुद्धि सागर, तुम बताओ सबसे खतरनाक हथियार कौन सा होता है? गुरुदेव, सबसे खतरनाक हथियार इंसान का दिमाग होता है। इंसान अगर अपने दिमाग का उपयोग करके लड़ेगा तो तीर तलवार तो क्या, किसी भी हथियार वाले को आसानी से हरा सकता है। बुद्धि सागर का जवाब सुनकर राजकुमारी कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती हैं। ठीक उसी वक्त रानी माता वहां से गुजर रही होती हैं। वो ये सब छुप कर देखने लगती हैं। अच्छा बुद्धि सागर, ये बताओ, तेजी से धन प्राप्त करने के लिए अगर तुम्हें माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी वरदान दे रही हैं, तो तुम किस माता से वरदान लेना चाहोगे? मैं माता सरस्वती से वरदान लेना चाहूँगा, क्योंकि लक्ष्मी माता से यदि वरदान मांगता हूँ तो मुझे सिर्फ धन की ही प्राप्ति होगी, पर यदि मैं सरस्वती माता से वरदान मांगूँ तो मुझे विद्या के साथ धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि यदि जुबान पर सरस्वती विराजमान हो तो लक्ष्मी अपने आप ही खींची चली आती है। राजकुमार बुद्धि सागर का जवाब सुनकर गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी बुद्धि सागर से मिलती हैं। तुम तो अति ज्ञानी हो, मुझसे दोस्ती करोगे? राजकुमारी की खूबसूरती देख राजकुमार बुद्धि सागर उसे अपना दिल दे बैठते हैं। दूर खड़ी रानी माता ये सब देख रही होती हैं। सच में राजकुमार बुद्धि सागर बुद्धि का सागर है। अगर राजकुमारी की शादी इस राजकुमार से हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखते ही देखते स्वयंवर का दिन आ जाता है और लग्न मंडप में तीनों राजकुमार दूल्हे बनकर आ जाते हैं। राजकुमारी तीनों को देखकर सोचती हैं कि वरमाला किसे पहनाई जाए। तुम ये सोच रहे हो ना राजन कि मैं तुमसे ये पूछूंगा कि राजकुमारी किसे वरमाला पहनाएंगी, है ना? हाँ प्रभु, किंतु कहानी अभी बाकी है। जब राजकुमारी तीनों को देखकर सोच रही होती हैं, तभी अचानक एक दानव वहाँ पर आ जाता है। दानव को देख सब डर जाते हैं। कुछ ही पल में दानव दुल्हन को लेकर उड़ते हुए जंगल में चला जाता है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी को दानव से छुड़ाकर ही लाएंगे। हाँ, मगर दानव राजकुमारी को हवा में उड़ा कर ले गया है, हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? अरे भाई, मेरा उड़ने वाला घोड़ा किस दिन काम आएगा, चलो मेरे साथ। तीनों राजकुमार उड़ते घोड़े पर सवार होकर दानव का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाते हैं। मुझे छोड़ दे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। चिंता मत करिए राजकुमारी, हम आ गए हैं। वीर सिंह और कर्ण सेन बहादुरी से दानव के साथ लड़ते हैं, मगर दानव दोनों पर भारी पड़ता है। अभी तो तुम बच्चे हो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी को तुमसे छुड़ाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वीर सिंह और कर्ण सिंह दानव से वीरता से लड़ रहे होते हैं, पर दानव दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। ये सब दूर खड़ा बुद्धि सागर देख रहा होता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि दानव की जान उसकी नाभि में होती है। बुद्धि सागर दूर से दोनों को आवाज लगाता है, वीर जी उसके पेट पर प्रहार करो, शैतान की जान उसकी नाभि में होती है। दोनों राजकुमार बुद्धि सागर के कहने पर दानव की नाभि पर प्रहार करते हैं और कुछ ही देर में दानव भगवान को प्यारा हो जाता है। अब बताओ राजन, राजकुमारी किसके गले में वरमाला पहनाएगी? राजा वीरभद्र सिंह ने सोचकर जवाब दिया, प्रभु राजकुमारी ने बुद्धि सागर को वरमाला पहनाई होगी। ऐसा क्यों? राजकुमारी को तो दानों से बचाने वाले ये दो योद्धा हैं। फिर भी मैं कहता हूँ प्रभु कि राजकुमारी ने बुद्धि सागर को ही वरमाला पहनाई होगी। थोड़ा सोच कर उत्तर दो राजन, यदि राजकुमार कर्ण सिंह ने तीनों राजकुमारों को अपने घोड़े पर बिठाकर नहीं लेकर गए होते तो क्या वो राजकुमारी को बचा पाते? प्रभु, घोड़े का हवा में उड़ना घोड़े की कला है, इसमें राजकुमार करण सेन का कोई योगदान नहीं। और वीर सेन की वीरता का
क्या उसका भी कोई योगदान नहीं है? प्रभु, अगर बुद्धि सागर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दानों की नाभि को निशाना बनाने के लिए नहीं कहता तो वीरसेन की वीरता भी धरी की धरी रह जाती। राजा वीरभद्र सिंह का जवाब सुनकर वरुण देव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जिस राज्य को तुम जैसा राजा मिला हो वो कभी भी दुखी नहीं हो सकते। आज मैं दिल खोल के बरसूंगा और इतना बरसूंगा कि आने वाले कई सालों तक तुम्हारे राज्य में सूखा या अकाल कभी नहीं पड़ेगा। तथास्तु। फिर कुछ ही देर में बारिश होती है और मिथिला नगरी में खुशियों का तूफान आ जाता है।